एहदे वफा, वो ड्रामा जिसने हम सबको रुलाया, जिसने हम सबको हंसाया, वो फाइनली एंड हो गया है. लेकिन हमने सोचा कि उनके डायरेक्टर से मिला जाए, उनके डायरेक्टर से बात किया जाए कि इतना ज़बरदस्त ड्रामा, इतनी ज़बरदस्त एंडिंग कैसे कर सकता है कोई. तो आज हमारे साथ हैं सैफी हसन. थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ आए. बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया. अच्छा मुझे बताएं, कल लास्ट एपिसोड थी, कहाँ देखी आपने? अपने घर पे. किसके साथ? कुछ लोग बैठे थे, मुस्तफा साहब थे, नहीं, कोई एक्टर? नहीं, नहीं, नहीं. अकेले? विद योर फैमिली? मैंने अकेले, मैं नहीं देखी, मैं सो गया था बीच में. मैं 8-10 मरतबा मैंने, क्योंकि मैं इसको एडिट पे देख रहा था ना, तो कम से कम 10 मरतबा तो देख चुका था एपिसोड. और इतनी लंबी एपिसोड थी कि वो 10 मरतबा देखने में बंदा सो ही जाता. अच्छा, 10वीं मरतबा. तो कल किसी के साथ नहीं देखी आप? नहीं नहीं, कल किसी के साथ नहीं देखी. मेरी बीवी देख रही थी, शायद वो भी सो गई थी. अच्छा. या शायद वो जाग रही थी, मैं सो गया था, इसलिए मुझे नहीं पता. तो फिर क्या हुआ उसके बाद? पहली कॉल किसकी आई? कॉल्स तो इतनी आई दोस्तों की, जाहिर है बहुत से. एक मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा कॉमेंट दिया, यार मैं तीन सारे घर वालों के साथ बैठ के देख रहा था, तीन दफ़ा बाथरूम सिर्फ आंसू पोंछने के बहाने गया. सो ये डिसाइडेड था कि साथ को जिंदा रखा जाएगा पहले से, या आप लोगों ने बीच में आवाम की सेंटिमेंट्स को देखते हुए चेंज किया उसको? नहीं, ये बिल्कुल शुरू में तो डिसाइडेड नहीं था. नहीं था. हाँ, हमने सोचा था कि साथ को लाइक एवरी अदर आर्मी प्ले शहीद करा देंगे. लेकिन हाफ वे थ्रू हमें इस बात का एहसास हो गया था, क्योंकि इसमें हमने जब देखा कि इसमें नए लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, जो यंग जनरेशन है हमारी, तो फिर हमें उनको भी एक ऐसा मैसेज देना था कि यार हमेशा नहीं होता कि आप जाके शहीद होते हैं, आप गाजी भी बनते हैं, यार बड़ी ग्लोरी है उस गाजी बनने में भी. तो फिर हमने डिसाइड कर लिया था, हाफ वे थ्रू डिसाइड कर लिया था कि नहीं, इसको शहीद नहीं करेंगे. I'm really happy कि आप लोगों ने नहीं किया. हाँ ना? जब आप एडिट कर रहे थे किसी, जब आपने पहली दफ़ा उसको जुड़ा हुआ देखा लास्ट में, आपके आंखों में आंसू आए थे या नहीं? मेरी आंखों में, मैं बहुत रोतू आदमी हूँ. हाँ. मैं अक्सर सीन शूट करते हुए भी रो रहा होता. सीरियसली? हाँ हाँ, बहुत बहुत. इस वाले में कौन सा सीन शूट करते हुए आप रोए? इस एपिसोड में या इस पूरे ड्रामे में? जब वो मुझे याद है सब, जब मैं विनीजा का वो कर रहा था, विनीजा का जिसके हॉस्पिटल वाला सीख में जब रोती है और वो कहती है ना कि वो भी तो मेरा बच्चा है. अच्छा, मज़े की बात, ये एक्टर्स अपनी तरफ से भी बहुत गड़बड़े अच्छा. मारते हैं. लेकिन नहीं, ये तो ऐसे, देखो मैं डॉक्टर हूँ सैफ, मैं कैसे कह सकती हूँ कि मुझे अंदर जाने दें, मुझे पता है मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ. मैंने कहा मुनीजा, देखो हर चीज़ इतनी लॉजिकल नहीं देखी जाती, उसका एक इमोशनल वैल्यू. जब एक माँ बोलेगी ना कि वो भी तो मेरा बच्चा है, तो वो मुझे आंसू आ रहे हैं, तो वो तो फिर उसने हाँ ये चाहिए, फिर उसने किया वो. और वो फिर तो ये तो आपके साथ बहुत होता होगा कि आपने हाँ, कुछ एक्टर्स आके बोलते हैं जैसे बहुत, ये बोल बहुत, रहे कौन, फिर बहुत, बाद बहुत. में आप उनको मैसेज करते हैं कि देखा मैंने कहा था ना, मेरी बात सुन लो. ये कमीनापन नहीं करता, लेकिन मैं उस वक्त नहीं करने देता उनको. अगर तो ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल हमेशा वो गलत कह रहे हो, कभी वो सही भी कह रहे होते. जब वो सही कह रहे होते मैं बात मान लेता हूँ, मतलब मैं उस वक्त, मुझे जब उस वक्त लगता है कि वो सही कह रहे हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन आमतौर पर ऐसा कम ही होता है. एहदे वफा की डायरेक्शन में क्या चैलेंजेस थे? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपको? सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जो चार अलग अलग कहानियाँ थीं, उन चारों को आपको हर वक्त नज़र में रखना पड़ता था कि आप कहीं ऐसा ना हो कि फलानी कहानी पे आप ऑडियंस को लूज़ कर जाएं. क्योंकि अब तो यही है कि आप एक सीन आपका बोरिंग आता है तो चैनल छूट जाता है. और शुरू में आपको ऑडियंस को पकड़ के रखना, ये जो अब ये जो फैन क्लब बना है इसका, ये तो कोई 12-13 एपिसोड के बाद बना है. उससे पहले तो वो एक नॉर्मल ड्रामा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन ये हाल नहीं था. बैशिंग भी आ रही, काफ़ी बैशिंग. देखो सबसे पहले तो बैशिंग मेरे ऊपर आई कि जी आपने कैसी कास्टिंग की है, इतने बूढ़े लड़कों को आपने कॉलेज में डाल दिया है. अब अगर मैं उनको बताऊँ कि जी मैं अगर एक 18 साल के लड़के को पॉलिटिशियन बनाए खड़ा करता या कैप्टन बनाए खड़ा करता, तो वो कभी भी बिलीवेबल नहीं होता. ये उन लोगों को उस वक्त नहीं पता होता कि जी मुझे उस जर्नी को कहाँ तक लेके जाना है. तो वो कास्टिंग उसके हिसाब से की गई थी कि जी अभी थोड़े से यंग लग जाएंगे, आगे भी जाना है. 6 साल की कहानी थी, 6 साल ये पहले से डिसाइड थे कि 6 साल तक ये कहानी चलेगी. कौन सा सीन सबसे ज़्यादा मुश्किल था डायरेक्ट करना? अब मुझे तो रिसेंट याद आएगा, जाहिर है जो भी. तो सबसे रिसेंट तो मिशन जो था वो मुश्किल इसलिए था, ये तो जंगल था बिल्कुल, कहीं दूर दूर तक
आदम आदमजात नीचे दरिया बहरा और ऐसी जगहें थी कि अगर हम ज़रा सा स्लिप होते तो सीधे दरिया में जाए गिरते मुश्किल था। और फिर एक बहुत लंबा सीक्वेंस था और हमारे पास उस वक्त एक रात थी, मैंने पूरा मिशन एक रात में किया जो कि एक मुश्किल काम है, मतलब किसी के लिए भी मुश्किल काम है। फिर नॉन एक्टर्स इतने सारे उसमें, सिर्फ हमारे पास अहादी एक्टर था, बाकी सारे नॉन एक्टर्स थे, तो सब कुछ एक रात में करना क्वाइट डिफिकल्ट। हम कास्टिंग की बात कर रहे थे आप, तो कास्टिंग पे आते हैं। कास्टिंग में आपका रोल कितना था इन लोगों को? ये जो चार लड़के थे ना, ये चार लड़के तो हमसे सबसे पहले ये DGI SPR साहब खुद इनसे एक एक मरतबा मुलाकात कर चुके थे, बुला के सिलेक्ट कर चुके। मतलब आपको नहीं दिया गया चांस? नहीं, कास्टिंग का मुझे ज़्यादा। उसके बाद इन चार के अलावा बाकी सब में मोमना भी इन्वॉल्व थी ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद मैं, मोमना, ज़ारा नूर, वो सब आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, ये मोमना की कास्टिंग। आमतौर पर कास्टिंग मेरे ड्रामों में मोमना का ही होता है क्रेडिट। तो आपके दिमाग में कोई और नहीं थे कि इन लोगों के अलावा, जब आपको पहली बार पता चला कि ओके ये चार कैरेक्टर्स हैं और ये चार लोग हैं जो इनको कर रहे हो, आपका क्या रिएक्शन था? एंड आई वांट एन ऑनेस्ट आंसर। किसी पे डाउट था? मुझे लगता था मैं वहाज अली को उस वक्त तक इतना अच्छा एक्टर नहीं, मैंने कोई देखा ही नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मुझे नहीं पता था। हाँ, बाकी तीनों को तो मैं जानता था, अच्छे एक्टर्स हैं और कर जाएंगे और स्टार वैल्यू है। वहाज अली को मैं इतनी अच्छी तरह जानता नहीं था, लेकिन जब मैंने उसके साथ पहली मरतबा मिला और उससे थोड़ी बात बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मेरे ख्याल से राइट चॉइस थी। ये जो चार कैरेक्टर्स थे, इसमें से, इन कैरेक्टर्स में से किसको डायरेक्ट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था और किसको डायरेक्ट करना सबसे आसान था? हमेशा देखो, ये ऐसा जनरल नहीं कर सकते आप उसको, किसको एट टाइम्स आपको, ये सारे जक्की लोग हैं। अच्छा। इन सबको अहमद अली अकबर हर एक चीज़ को लेके वो एक प्रॉब्लम लेके आता था मेरे पास, देखिए ये इसमें ये प्रॉब्लम है, ये इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था, या उसको लगता था कि शायद वो बहुत से चीज़ में ऐसा कहता था मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा इस चीज़ में, इस तरह। हाँ, ये इशू था। फिर कैसे डील किया आपने? बच्चे समझाया, बच्चों को, मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं तो मुझे बच्चों को समझाना आता है। बट एंड में खुश हो गए, बिकॉज़ एंड में तो अहमद अली आखिर में तो हीरो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आखिर में तो सबको बहुत मजा आया। और बहुत मजा आया। जब इतना बड़ा हिट हो जाता है प्रोजेक्ट तो फिर सब उसको भूल जाते हैं, पुरानी बातों को भूल गए सारे। अलीज़े शाह, पहली बार आप उनके साथ? हाँ, मैंने उसके साथ, हाँ पहली बार, हाँ डायरेक्ट पहली बार किया, वरना तो हाँ एग्जैक्टली काम सुपरस्टार में किया था। इससे पहले भी शायद मैंने एक आध मरतबा, ये तो ऐसे चार स्टार आती थी ना हमारे पास, तो मैं तो उस बच्ची को बहुत बचपन से जानता हूँ। अलीज़े बहुत कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फन टू वर्क विद हो। अच्छा। बच्ची है और वो एक रखती है डिस्टेंस उस तरह का, जैसे जैसे रानी थी, रानी वॉज एब्सोल्यूट फन टू वर्क विद, उसको आप जो बोलें तो वो उसे एक स्टेप आगे करके लेके आती थी। आपको अलीज़े को आपको बहुत बताना पड़ता है, अलीज़े वैसा नहीं करती जैसा आपके जहन में होता है, उसके जहन में कुछ और होता है। तो स्क्रिप्ट तो आपके पास पूरा नहीं आया था, लेकिन जब शुरू का भी आ गया था तो कोई एक सीन था जिसको देख के आप पढ़ रहे थे जब, तो आपने सोचा यार आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीन टू डायरेक्ट, ऐसा होता है कुछ? जो हाँ हाँ ऑफकोर्स होता है, वो शुरू से जैसे वो जो एक सीन था जब फिरदौस साहब वापस जाते हैं शहरयार के पास, वो सीन मेरा ऑल टाइम फेवरेट सीन था। अच्छा। वो मैंने जब जब पढ़ा मैं रोया। हाँ। जब पहली बर्तन मुस्तफ़ा सुना रहे थे मुझे याद है, उस वक्त भी मुझे कहना याद है मुस्तफ़ा मैं अभी आंखों में आंसू आ रहे हैं मेरे, जो ये सीन था तब मुस्तफ़ा ने आइडिया दिया था कि मैं फिरदौस साहब को लेकर जाता हूँ, मैंने उस वक्त से कहा था ये हिट होने वाला है सीन फिरदौस साहब। मुझे कभी भी ना किसी के मरने पर रोना नहीं आता, मैं मुझे मोहब्बत के रोने आते हैं, जब मोहब्बत का रोना होता है ना तो हमेशा मैं कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ के नहीं रोता जो बहुत गमजदा कर दे इंसान को, लेकिन असद मोहम्मद ख़ान की कहानियाँ पढ़ के रोता हूँ मैं, जिसके अंदर मोहब्बत का अंसर ज़्यादा होता है। मैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ पढ़ के रोता हूँ जो हंसाने के लिए लिखते हैं बिजनेस, लेकिन उनकी बास कहानियाँ ऐसी हैं जो आपको रुला देती हैं, जिसके अंदर मोहब्बत का अंसर ज़्यादा होता है। तो वो इसके अंदर वो चीज़ थी, जबकि जब हम सीन कर रहे थे शहरयार को बिल्कुल रोना नहीं आता। अच्छा। उसको आता ही नहीं रोना। ओके। और उसकी आंखों में ग्लिसरीन गायब हो जाती है,
इतनी को ग्लिसरीन ठूसी गई थी उसके आँख में और वो ख़त्म हो गई थी और विक्स लेके आओ, विक्स काम नहीं कर रही, उसके आँख से आंसू निकल के ना दे। अहमद अली, अहमद अली, हाँ शेर अहमद अली, अहमद अली एक बार काफ़ी मुश्किल, लेकिन हाँ लेकिन ये कि बहरहाल उसने किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वो तो सबको रुला गया वो सीन। हाँ 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 बिल्कुल, उसको रुलाना ही था, इट वॉज मेंट टू। वो जो सीन है जिसमें शाहजैन और शहरयार मिलते हैं जब शहर वाला, उसके बाद जब वो उसको घर आता है मिलने, उसको गले लगता है, हाँ, देता है। हाँ, वो जान छुड़ाने, छुड़ाने की कोशिश करता है, वो उसको फिर पकड़ता है। आई वॉन्ट टू नो, वो आपने एक्स्ट्रा टच दिया था या वो एक ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट्स एक्टर्स ने किया? नहीं, वो मैंने दिया था, वो मैंने दिया था। असल में उस सीन में था कि बस वो आते और घरे मिलता और रोने लगता है, लेकिन वो उसके अंदर वो लिखा हुआ भी ऐसा नहीं था कि वो हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैंने एक ऐड की थी चीज़ में, इस तरह छोटी छोटी चीज़ें कुछ ना कुछ कर देता हूँ उसके अंदर। गुलजार को कहाँ से ढूंढा आपने? गुलजार यार फाइंड मेरी नहीं थी एक्चुअली, मुस्तफ़ा बजिद थे कि इसमें मुझे सराय की स्पीकिंग लड़का चाहिए। अच्छा। और जब हमने वो कैरेक्टर पढ़ा तो वो लिखा मुस्तफ़ा ने, बल्कि ये तक किया था कि मुस्तफ़ा खुद क्योंकि सराइकी बोलते हैं, तो मुस्तफ़ा ने अपना एक अंदाज में मुझे ऑडियो मैसेज भेज दिया कि आप जब ऑडिशन कर रहे हो तो देखिएगा ये वाला एक्सेंट होना चाहिए उसका, डिटेल में सोचते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद फिर मेरे पास वो ऑडियो मैसेज था, मैं ऑडिशन करता था लोगों के, उसके लिए मैंने बहुत ऑडिशन किए, एक नहीं कोई 5-6 लड़कों को बुलाया और मैं उनको ये भेजता भी था ये कि इस तरह, लेकिन वो जो हमेशा मुझे एक फेक सा लगता था। फिर प्लस मुझे, हम लोग क्योंकि एक थिएटर बैकग्राउंड के हैं, तो मुझे जब इसका शर्जील, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे शर्जील इस्लामाबाद के हमारे ऑफिस में, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया, तो उन्होंने कहा जी ये तौसा शरीफ का ही लड़का है। अच्छा। और ये नापा से इसने 3 साल की डिग्री की हुई है, तो मैंने कहा बस ठीक ज़बरदस्त, इसको बुलाया और हाँ बुलाया फिर। हाँ। और पहली मरतबा में मुझे वो ज़बरदस्त लगा। मुस्तफ़ा को मैं तस्वीरें भेजी, मुस्तफ़ा श्योर नहीं थे, हाँ श्योर नहीं थे, लेकिन मैंने कहा भाई मुझे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले सीन से उसने। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इतना ह्यूज हो जाएगा? इतना ह्यूज हो जाएगा नहीं सोचा था, लेकिन ये मुझे पता था कि ये इस सीरियल के हिट कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर होगा, वो लिखा हुआ इस तरह का था। बिल्कुल था, बिल्कुल था। दुआ और साथ की जब शादी होती है तो दुआ को आपने वो साड़ी पहनवाई, वो उसके पीछे क्या मकसद था? दुआ ने एक ट्रेडिशनल ड्रेस क्यों नहीं पहना हुआ था? देखो सबसे पहली बात तो ये कि अगर वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आती तो वो एक, हम ये तो बहुत गलती हुई हमसे, हालांकि हमने बहुत हशहश रखा, आर्मी के प्रीमिसेस में जाके उसकी शादी की, सिर्फ आर्मी वालों को बुलाया, लेकिन उसके बावजूद लोग पता नहीं हमारे हैं इस तरह के, एग्जैक्टली तो वो लीक हो गया, वरना ये बड़ा सरप्राइज़ होता कि जब तक वो वहाँ पर नहीं आती, हमें पहली बार नज़र नहीं आती, तो उस सरप्राइज़ को एक 4 चांद लगाने के लिए एक मकसद था, क्योंकि वो भी मैस्किट कहलाता है ये ड्रेस जो है इनका, और अक्सर आर्मी के लोग जो हैं वो जब ऑफिसर शादी करते हैं तो अपनी मैस्किट में करते हैं। okay. ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है उनके यहाँ। फीमेल डॉक्टर्स भी? फीमेल डॉक्टर्स भी। okay. फीमेल डॉक्टर्स नहीं, फीमेल ऑफिसर्स। फीमेल ऑफिसर्स, ओके। डॉक्टर्स तो मतलब वो तो एक डॉक्टर, हाँ फीमेल ऑफिसर्स भी करते हैं और ऑफिसर्स भी करते हैं। ओके। तो ये ऐसा नहीं है कि आर्मी वालों के लिए कोई बहुत अनकॉमन बात है, होता है व्यूअर के लिए, व्यूअर के लिए अचंबा होता है ना। हाँ एग्जैक्टली, तो वो उसी के लिए रखा था। तो दुल्हन के सर पे दुपट्टा होना जरूरी बिल्कुल है ना? हमने दुपट्टा रखा था। हाँ। हमने दुपट्टा रखा था, वो सीन वहाँ तक पहुँचा नहीं, हमने उससे पहले उसको काट दिया, वरना आखिर में विनीजा कहती है अच्छा भाई सर पे दुपट्टा तो करा दो, और निकाह होने आता है, निकाह के लिए मौलवी आता है, लेकिन वो हमने सीन उससे पहले ही फ्रीज कर दिया था। इन कैरेक्टर्स की आपस में केमिस्ट्री कैसी थी, इन चारों की किसकी सबसे ज़्यादा अच्छी थी? देखें जब हमारा पहला स्पेल लॉरेंस कॉलेज का था, गए हम पहले दिन, हमने शूट की और पहले दिन फुटबॉल वाले सीन थे जो। okay. और उसी वक्त फुटबॉल के सीन के दौरान ही बारिश शुरू हो गई थी, इनफैक्ट अगर आप गौर से देखें तो आखिरी शॉट्स में वो लगे भी हैं, क्योंकि बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, उसमें ये सारे लड़के जज्बाती नहा लिए नहा लिए और पहाड़ों की बारिश और बीमार पड़ गए। उसके 4 दिन तक हम लोग होटल में बंद पड़े रहे, कुछ काम वाम नहीं हुआ, तो नेचुरल बॉन्डिंग से। तो अब उस चार में क्या, 4 दिन तक क्या करते, बस यही था कि जी आपस में बैठ के बकवास करते थे, तो सब दोस्तियां हो गई उसके अंदर। फिर उसके बाद इन लोगों का तो बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया, मुझे अब लगता है जब भी मिलते हैं हम, हमें बहुत कुछ करना नहीं, आखिर के जो सीन्स थे
जिसके अंदर ये शादी की तैयारियां हो रही हैं, उसके अंदर बस ये दिया खुद ही अपना वो एनर्जी मुझे कोई डालनी नहीं पड़ी, बस मैं याद दिलाता देखो बस वही वाली एनर्जी, तो आप बेफिक्र रहे वो आ जाती थी। हुमायूं सईद, हाँ, उनको क्यों आपने डाला? ये मेरा आइडिया नहीं था, ये करण आसिफ का आइडिया था। ये हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे थे, अभी डिस्कशन कर रहे थे ना इस बीच, मैंने कहा फिर भी मैं पूछूंगी, उनको जवाब देने दो। हाँ नहीं, करण आसिफ का आइडिया था जो जिन्होंने बात भी उन्होंने की, और हमें उसके लिए बल्कि ट्रैवल करके भावलपुर जाना पड़ा, इसीलिए हमने भावलपुर में किया। ये आइसोलेशन में है ना, अहद वगैरह तो सामने नहीं थे? नहीं है, नहीं, उस वक्त अलग ऑफिसर्स थे, और अहद वगैरह तो कश्मीर, अहद वाला पोर्शन कश्मीर में हुआ है, और हुमायूं सईद वाला पोर्शन। तो ये क्या मेरे पास तुम्हों की इतनी पॉपुलैरिटी के बाद डिसाइड किया कि हुमायूं सईद को लाएं, मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या थी? आपने पूछा, समझने की कोशिश की या बस आपने कहा बस चलो? असल में ये बहुत पहले से डिसाइडेड था कि ये सिनेमा में दिखाई जाएगी, तो एक हुमायूं की एक सिनेमेटिक वो है ना प्रेजेंस है, अपीयरेंस है, तो शायद उसके लिए उन्होंने किया था। और क्योंकि हमें भी अच्छे लगता है हुमायूं, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी ओल्ड फ्रेंड, तो अच्छा लगा। बल्कि मज़े की बात बताऊं कि मैंने हुमायूं के दो सीन करने के लिए बाटर में हुमायूं की फिल्म में दो सीन किए जाके एज एन एक्टर, जो मैं कभी भी ना करता। क्यों? तो जी ठीक है मैं करूँगा, तो तुम इधर आ जाओ जरा मेरे पास, भावलपुर आ रहे हो ना, तुम दो सीन। तो मैंने पहले हुमायूं के सीन किए, फिर वहीं से मैं भागा, और मैंने सारी रात बैठ के नदीम बेग साहब हु इज़ ऑल्सो गुड फ्रेंड, दो सीन वहाँ पे कराए हैं उनकी फिल्म में, ये बाटर हुआ है। एहदेवफा क्या है आपके लिए? व्हाट इज़ एहदेवफा टू यू, और व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट एहदेवफा? एहदेवफा का सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि वो उसने हमारी नई पौध को, यंग जनरेशन को बहुत मोटिवेट किया है टूवर्ड्स गुड। अच्छे इंस्पिरेशनल मैसेजेस थे, पेट्रियाटिज़म की तरफ माइल किया है उनको, तो वो मुझे लगता है कि वो मेरा एक, मेरे किसी और ड्रामे ने शायद कभी नहीं किया होगा। उस्मान खालिद बट जब लाइव शो हो रहा था तो उस पर बात हुई कि उनको काफ़ी दफ़ा वो आते थे आपके पास कि नहीं इसको ऐसे कर लें, ऐसे हाँ, कर लें। बहुत बहुत सबसे ज़्यादा उस्मान ही मेरे पास आया मेरे ख्याल से। कोई हमें एग्जांपल दें किसी ना, कोई शेयर कर लें, कोई सीन पे वो आए हो फिर आपने चेंज किया हो या आपने उनको कन्विंस कर लिया हो, कोई सीन वाइज हमें बताएं। देखो चलो एक मैं तुम्हें सीक्रेट बता देता हूँ। हाँ दैट्स गुड। हुआ ये 21वां एपिसोड जब हमारे पास आया, तो उसके अंदर शाहजहन का ये जो गोली मारने वाला था कि उसने खुद को गोली मारी, हमने लिखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, हमने पहले डिस्कस किया, मुस्तफ़ा ने एपिसोड लिख दिया। जब ये एपिसोड गया चीफ साहब के पास तो उन्होंने सरियन रिजेक्ट कर दिया, ये तो नहीं हो सकता। सो हर एपिसोड आप लोग अप्रूव चीफ साहब के पास? सॉरी, हाँ हर एपिसोड ऑफ कोर्स, ये इन्होंने हमारे आसिफ गफूर साहब ने रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, हमें थोड़ी बहुत उनसे बातचीत की, लेकिन उनका पॉइंट ये था कि असल में अब ये क्योंकि इतना मशहूर हो चुका है ड्रामा, और ये मतलब उस वक्त 16-17 एपिसोड चल चुकी थी, पॉलिटिशियंस के लिए हमें एक नेगेटिव ये आ रहा था कि जी आपने सब को सही दिखाया है सिवाय पॉलिटिशियन को, उसको नेगेटिव दिखाया है। हमको ये पता था कि आखिर में इसको सुधरना है, लेकिन वो लोगों को तो नहीं पता था। तो उन्होंने कहा जी अब वो इतनी ज़्यादा इसके ऊपर हमें तनकीद आ रही है कि अब ये अगर हमने ये दिखाया तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। खैर हमने फिर मरते क्या ना करते दोबारा हमने इसको दोबारा रीशूट नहीं, उस वक्त शूट नहीं हुआ था, आया था खाली। अच्छा ओके। उस्मान के पास जा चुका था एपिसोड एक मरतबा, ये करण आसिफ से अप्रूव हो चुका था, बाद में इन्होंने दोबारा जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो हमने फिर दूसरा एक एपिसोड लिखा, पूरा नए सिरे से। सर एपिसोड का अपना एक ग्राफ होता है कि एपिसोड कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, कितनी चीज़ें खुलेंगी इसमें, वो पहले डिसाइड की जाती है, उसके बाद एपिसोड में रंग भरा जाता है। तो वो सब नए सिरे से बना, उसमें टाइम लगा, हम 3-4 दिन बैठे रहे, हमारे पास कोई काम नहीं था करने का। उस्मान को वो दूसरा एपिसोड गया, उस्मान ने कहा ये तो मैंने वो तो बहुत अच्छा एपिसोड था, ये तो बकवास है। हमने कहा यार ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं सकते। उसी के फौरन बाद शादी का सीन शूट हो रहा था, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। उस्मान ने कहा मैं इस नए एपिसोड का कोई सीन शूट नहीं कराऊंगा जब तक मैं DGI SPR से ना मिल लूँ। वाओ। तो हमने कहा अच्छा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो अप्रूव हो जाए तो पिछला वाला
तो कहता है मैं एक मरतबा बात तो करूँगा, उन्होंने मना कर दिया तो ठीक है लेकिन मैं एक मरतबा बात तो करूँगा। तो मैंने सोचा चलो परसों शादी का सीन है वहाँ पर वो ज़रूर आएंगे। वो आमतौर पर इस तरह की शूट पर उनके घर में शूट होती थी या गैरेजन के अंदर जो उनके है वहाँ पर शूट, तो मैं कहा गैरेजन में शूट है आई एम श्योर वो ज़रूर आएंगे। तो वहाँ पर बात कर लिया उस्मान ने उनसे बात की प्रूफ करा लिया। ओके और हम तो आखिर में हम गले मिल रहे थे यार क्या काम किया तुमने उस्मान। तो उस्मान ने भला भी किया इस तरह से। उस्मान खुद क्योंकि एक राइटर भी है उसने लिखा भी है तो उसको तमीज़ है स्क्रिप्ट। तो जो हमने देखा वो ओरिजिनल थी जो ओरिजिनल हुई थी जो अप्रूव नहीं हुई थी फिर बाद में अप्रूव करा ली गई बिल्कुल। उसके अंदर भी कुछ चीज़ थी जो कार्ड दिए गए जो फिर मतलब थोड़ा सा जैसे डॉक्टर को वो चेक देता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो सब हमने नहीं दिखाया बट वी फिगर्ड इट आउट के हाँ वो एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। शहरयार जो है जब सुनता है कि तीनों की पोस्टिंग तीनों किसी ना किसी मकसद से जा रहे हैं मुजफ्फराबाद वो कहता है मैं भी अपनी पोस्टिंग करा लेता हूँ। थोड़ा अनरियलिस्टिक नहीं था ऐसा होता है ऐसी दोस्ती एग्जिस्ट करती है? इससे ज़्यादा अनरियलिस्टिक था मैंने तो मतलब इससे ज़्यादा अनरियलिस्टिक ऐसा था कि ये बल्कि आखिर में तो मुस्तफ़ा कह रहे थे मुझसे सैफ ये प्लीज़ सीन काट दें बहुत बुरा है। नहीं जिसमें चारों दोस्त मिलते हैं तीनों दोस्त मिलते हैं रेस्टोरेंट में और वो कहते हैं कि exactly, तो वो तो उसके अंदर लिखा हुआ तो ये था कि वो कहते हैं ओ कमाल है मेरी भी पोस्टिंग आ गई है मुजफ्फराबाद में। कोई एक कमेंट या फैन से इंटरेक्शन जो आपने सुना हो जो आपको अमेज कर गया हो कि अच्छा मैंने लोगों को इस हद तक टच कर लिया या एहदे वफा ने लोगों को इस हद तक टच किया है? कल मैं बताऊँ मैं बहुत पुरानी बात मुझे मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है। कल रात को मैंने एक बच्चे की तस्वीर किसी ने डाली हुई थी ट्विटर पे, तस्वीर नहीं बल्कि वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, बच्चा ब्लैंकेट में रो रहा है और उसकी माँ उससे पूछ रही है माँ की आवाज़ आ रही है किसको गोली लगी है सात को गुलजार को, कहते नहीं सात को रोते हुए और फिर वो अच्छा तो ठीक हो जाएगा दुआ करें ठीक हो जाए इस तरह। बहुत छोटा सा बच्चा लाइक 7-8 साल का बच्चा होगा तो बस मुझे वो देख के बहुत लगा कि हाँ यार देखो ये कामयाबी है इतना छोटा बच्चा कंबल ओढ़े हुए जो अपनी माँ से छुप भी रहा है आंसू पोंछ रहा है रो रहा है और एपिसोड देख रहा था तो आई लव दैट। मेरे पास यूट्यूब पे कुछ कॉमेंट्स हैं हमने अपलोड किया था कि आपसे मुलाकात होगी कुछ सवाल पूछना चाहें। आई वुड आस्क हिम अस्मा बट पूछ रही हैं I would ask him if he can make another drama series similar to EhdeWafa with Ahad Raza Mir in it or will there be part 2 of EhdeWafa? I think wo puchhi ki agar aap ek aur drama bana sake Ahad Raza Mir ke sath to wo part 2 hoga EhdeWafa ka ya aap koi naya drama banayenge? Kuch naya banayenge EhdeWafa hi kyun banana hai aapko? Nahi kuch naya main koshish karta hu ki ye sawal bahut aaya hai mere paas कि क्या एहदेवफा का सीक्वल आएगा? इज इट ऑन कार्ड? हो सकता है कि हमारे बाद जो मंसूर साहब ने 22 साल पहले बनाया था अब आया ये तो अब हो सकता है अगले 22 साल बाद कुछ पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स कोई डिस्कशन हुई है इस पे सर कभी बातों में? हां लेकिन बस डिस्कशन किया था मजाक की हद तक और बनाएंगे तो उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है हो सकता है कभी बने हो सकता है क्यों इतना कामयाब गया है तो एचपीआर वाले भी सोचेंगे। फराह यास्मीन आप पूछ रही हैं गुलजार किधर से मिले? ही एक्टेड सो वेल एंड मुबारक इतना बेहतरीन ड्रामा ड्रामे के लिए। गुलजार एक ट्रेंड थिएटर के एक्टर हैं और अभी आप उनको मजीद भी देखेंगे इंशाल्लाह फिल्मों में भी आ रहे हैं वो एक दो ड्रामे भी साइन किए उन्होंने इज अ वेरी गुड एक्टर। आयशा खान कह रही हैं आई डोंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस बट आई वुड श्योरली लाइक टू अप्रिशिएट हिम फॉर दिस वंडरफुल वर्क दैट ही हैज़ डन इन एहदेवफा। आई मीन दिस इज़ द बेस्ट ड्रामा सीरियल आई हैव एवर सीन। और बहुत लंबा मैसेज है बट आपकी बहुत तारीफ है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। फ्रॉम विच सिटीज़ You have done shooting of EhdeWafa? उस्वा फातिमा पूछ रही हैं। बहुत सारे हमने ये मरी में किया एबटाबाद में किया इस्लामाबाद में किया पिंडी में किया वाह में किया चकवाल में किया गुजरात में किया कराची में किया और कहाँ बहुत सारे शहर थे मैं कहाँ कहाँ याद करूँ गुजरांवाला में किया भावलपुर में किया टिल्ला में किया मेनी सिटीज यार बस इतने मुझे याद आए फिलहाल और भी थे एक दो और आई एम श्योर मिस हो गए होंगे। ओके वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम आल्सो और एक सवाल जो दो तीन दफ़ा मुझसे पूछा गया है व्हाई डिड यू नॉट टेक सज्जल टू प्ले द रोल ऑफ दुआ? क्योंकि सज्जल का हमें पता था कि सज्जल का ये ड्रामा जो एहसन तालिश वाला ड्रामा है ये रहा ये मेरा दिल मेरा ये दिल मेरा वो उस वक्त तक शूट हो चुका था काफ़ी हद तक
और हमें पता था कि ये ड्रामा आने वाला है सज्जल के साथ, तो दो एक ही कास्ट के एक ही हीरो हीरोइन के ड्रामे, इसलिए हाँ नहीं तो मोमना ने सदस्य वहाँ पे, इनफैक्ट ये भी बात हुई थी जब हम बैठे थे सारे आसू कपूर साहब के ऑफिस में, तो मोमना ने जब ये सजेस्ट किया तो उन्होंने कहा था कि सज्जल भी ले सकते हैं, तो मोमना ने कहा नहीं वो तो मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर भी सज्जल और राहत साथ आ रहे होंगे। एंडिंग किसने डिसाइड की, मुस्तफ़ा अफरीदी या सैफी हसन, ये सवाल है। हमने सब ने मिल कर डिसाइड की, किसी एक का डिसीजन नहीं था क्योंकि इसके अंदर आसिफ कफूर साहब का भी डिसीजन शामिल, सजेशन शामिल थे, मेरे सजेशन भी शामिल थे, मुस्तफ़ा के तो ऑफकोर्स थे ही थे। फिर आपकी तारीफें ही तारीफें, द बेस्ट डायरेक्टर, व्हेन इज ही गोइंग टू वर्क विद सजल, आज देम इफ दे चूज सजल, आपके और सजल के बारे में बहुत क्वेश्चंस हैं कि भाई आप सजल के साथ कब काम कर रहे हैं, व्हेन विल यू, ना अलिफ में काम, आई नो ही, आई थिंक दे मीन टू से कि व्हेन विल यू डायरेक्ट हर एज अ डायरेक्टर। मैं खुद आई लुक फॉरवर्ड टू इट, अल्लाह करे कभी ऐसा मौका आए। मुझे लगता है कि सजल ने बहुत अरसे से मेरे ख्याल से हाँ नहीं किया, अब एक्चुअली जो मेरा नया अगला प्रोजेक्ट है मुस्तफ़ा के साथ उसमें शायद अगर आ जाए सजल, अब देखिए कितनी डिमांड आ रही है ना। जब आप अलिफ कह रहे थे सजल के साथ, जी जी जी, कभी होता नहीं था कि मैं बस किसी तरह प्रोग्राम एक शुरू करूं ड्रामा जिसमें मैं सजल को डायरेक्ट कर रहा हूं? मुझे ऑनेस्टली बताऊं बिल्कुल मुझे कोई बहुत डायरेक्शन का शौक नहीं है। नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे एक्टिंग का सारा शौक है। ओके, दैट्स अ न्यूज़ टू अस। तो मुझे हाँ नहीं नहीं मुझे अदाकारी का शौक़ ज़्यादा है, मैं अदाकार ही बनने आया था और पता नहीं क्या क्या बनते बनते, मैं एडिटर था बहुत साल, मैंने एडिटिंग की है, मैंने मेहरीन जब्बार के शुरू के सारे प्रोजेक्ट, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैंने एडिट किए हैं सिंगल हैंडेडली, उस वक्त तो कोई दूसरे एडिटर्स भी नहीं होते थे, एक ही मशीन और एक ही बंदा होता था जो पूरा एडिट करता था, तो मैंने डायरेक्शन सीखी एडिट टेबल पे एक्चुअली, तो मैं सब कुछ बन गया, लेकिन अदाकार जब बाल सफ़ेद हुए और अब्बाओं के कैरेक्टर मिलने लगे तभी अदाकार बन सका, लेकिन मुझे अदाकारी में मज़ा ज़्यादा आता है, मैं थिएटर के एक्टर कर रहा और इस वजह से भी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, हमें बहुत मज़ा आया, बड़े मज़े मज़े की स्टोरीज हमें सुनने को मिली एहदेवफा के सेट से और हमारी फेवरेट एक्टर्स के बारे में। We wish you all the best. Thank you very much. We hope कि हम बहुत जल्दी कोई और ड्रामा देखेंगे आपसे जो डायरेक्ट किया हुआ। Although you like to act more than direct, we would like you to direct as well. Thank you so much. और कोई मूवी बहुत जल्द अगर आपकी डायरेक्ट। अल्लाह करे यार, अल्लाह करे, अल्लाह करे। अच्छा अच्छा स्क्रिप्ट आए तो ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं अच्छे स्क्रिप्ट से डिसाइड करता हूँ, अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट आता है तो ही मैं। आपके तो हाथ में है मुस्तफ़ा अफरीदी साहब, बस बोले आपके। मुस्तफ़ा अफरीदी साहब को आसान आदमी है काम करने के लिए। ये तो मैं नहीं कह रही आसान है, एक एक साल में एक एक स्क्रिप्ट लिखता है, बल्कि साल तो जल्दी बता दिया, मैं दो दो साल में एक स्क्रिप्ट लिखता है। बस उनको अभी से दे दें तो दो साल में हो जाएगा कुछ ना। हाँ दिया हुआ है, अभी काम चल रहा है हमारा, 13 एपिसोड आ गए हैं। आई होप वो अच्छा, वो है पता नहीं ये खबर ब्रेक करनी चाहिए कि नहीं, वो है संगमरमर का सीक्वल। या ही शेयर्ड द डिटेल्स, अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स। अच्छा, इट्स कॉल्ड संगमा, तो उस पे काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो भी same अच्छा scenario, same scenes, but with a different story, different character. Story, different characters. Yeah, yeah, yeah. So we look forward to Sangema. Sangema, inshallah, inshallah. Thank you. So thank you, thank you, beta. कैसे मानूं है तू जुदा